हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो अभी आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर क्लिप देख रहे हैं, ये क्लिप है महू स्टेशन की। महू स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जो कि मीटर गेज का प्लेटफॉर्म हुआ करता था, उस प्लेटफॉर्म को तोड़ के अब उसको विस्तारीकरण किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अब बड़ी लाइन का प्लेटफॉर्म बन रहा है। आगे तरफ जो इस प्लेटफॉर्म का रुख था टूवर्ड्स इंदौर का, वो तो ऑलरेडी उस तरफ बड़ी लाइन के प्लेटफॉर्म की वर्क हो रहा था, किंतु अभी जो फ़िलहाल जब से मीटर गेज ट्रेन बंद हुई है, उसके बाद से अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 को अब पूरी तरीके से बड़ी लाइन के प्लेटफॉर्म में डेवलप किया जा रहा है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तोड़फोड़ की जा रही है, क्योंकि अब इस प्लेटफॉर्म को डेडिकेटली बड़ी लाइन के प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ जो स्वर्णिम युग था मीटर गेज का, महू स्टेशन एक बहुत बड़ा हब था मीटर गेज ट्रेनों का। अब महू स्टेशन से पूरी तरीके से मीटर गेज ट्रैक और मीटर गेज ट्रेनों की यादें गायब हो चुकी हैं। अब जो ये महू स्टेशन रहेगा, 4 प्लेटफॉर्म का रहेगा और चारों प्लेटफॉर्म यहाँ पे बड़ी लाइन के प्लेटफॉर्म रहेंगे। दोस्तों, किसी ज़माने में इस स्टेशन ने कई लंबी दूरियों की मीटर गेज ट्रेनों की मेज़बानी की है। कई ट्रेनें यहाँ से रेगुलेट होती थी, कई ट्रेनें के यहाँ पे डब्बे कटा करते थे, कई ट्रेनों में यहाँ पे डब्बे जोड़े जाते थे बड़ी बड़ी दूरी की ट्रेनों में। अब वो सब एक इतिहास रह गया है। मीटर गेज ट्रेन अब यहाँ पे पूरी तरीके से इतिहास रह गई है। और अगर भविष्य में आने वाले दिनों में मान लीजिए अगर हेरिटेज ट्रेन चालू भी होती है, तो इसके लिए इन्होंने ब्रिज के पास जो ओवर ब्रिज है वहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जहाँ पे डेवलप कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में अगर हेरिटेज ट्रेन का संचालन होता भी है, तो वो ट्रेन वहीं से संचालित होगी। अब जो महू स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है 4 प्लेटफॉर्म का, उसका मेन उद्देश्य यह है कि इस स्टेशन के द्वारा इंदौर का भार कम किया जाएगा। काफ़ी सारी जो इंदौर वाली ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों को एक्सटेंड कर दिया जाएगा महू तक, और यहीं से इन ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। खैर, अभी फिर भी मुझे लगता है कि इंदौर वो ट्रेनें ही अपने पास रखेगा। जो बड़ी बड़ी और मेन ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों का संचालन इंदौर से ही होगा। उसके अलावा जो भी ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों को महू तरफ कर दिया जाएगा, मतलब महू से उनका संचालन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का क्रेडिट मैं विशाल शेलके जी को देना चाहता हूँ। उन्हीं के द्वारा ये वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी यहाँ से मीटर गेज की पूरी यादों को समेट दिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से मीटर गेज को बंद किया गया, उस तरीके से तो यही लग रहा था कि यहाँ पर बस मीटर गेज ट्रेनों को बंद होने का इंतज़ार किया जा रहा था, कि जैसे ही मीटर गेज ट्रेनें बंद हो और इस स्टेशन को हम तुरंत बड़ी लाइन के प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप करें। दोस्तों, बात करें महू स्टेशन की मीटर गेज के काल की, तो यहाँ से महू चित्तौड़गढ़ फास्ट पैसेंजर, महू उज्जैन फास्ट पैसेंजर, महू नसीराबाद एक्सप्रेस, महू इंदौर लोकल ट्रेनें जो कि दिन में 5-6 चलती थी, उन ट्रेनों का संचालन होता था। दोस्तों, अगर हम बात करें उन ट्रेनों की जिन ट्रेनों में इस स्टेशन पर डब्बे जुड़ते व कटते थे, वो ट्रेनें थी मीनाक्षी एक्सप्रेस, अजमेर अकोला अजमेर एक्सप्रेस मिक्स्ड एक्सप्रेस, और पूर्णा अजमेर फास्ट पैसेंजर, अकोला चित्तौड़ अकोला फास्ट पैसेंजर। इन ट्रेनों में 6-6, 7-7 डब्बे जुड़ते थे व लगते थे और कटते थे। जब ये घाटी उतरती थी, तब इन ट्रेनों में से डब्बे काट दिए जाते थे, और जब ये ट्रेनें घाट चढ़ के ऊपर आती थी, इंदौर तरफ जाती थी, तो इन ट्रेनों में डब्बे, ये 5-6, 7 डब्बे जोड़ दिए जाते थे। इसमें से कि एक ट्रेन थी अजमेर अकोला फास्ट पैसेंजर, मिक्स्ड एक्सप्रेस भी बोलते थे जिसको, उसमें एक एसी का डब्बा भी इस स्टेशन से लगा करता था। दोस्तों, एक ज़माने में ये स्टेशन मीटर गेज का सबसे बड़ा स्टेशन हुआ करता था। इस पूरे रूट का जयपुर से हैदराबाद तक का जो पूरा मीटर गेज रूट था, उस पूरे रूट का सबसे बड़ा यार्ड महू स्टेशन के पास था। यहीं पे गाड़ियों के डब्बों का मेंटेनेंस होता था, और इंजनों का जो मेंटेनेंस होता था वो भी यहीं होता था। खैर, अब वो एक सब इतिहास हो गया है। अभी फ़िलहाल में महू काफ़ी सारी ट्रेनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है बड़ी लाइन की ट्रेनों का, और आने वाले दिनों में इस स्टेशन को और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। कई लंबी दूरियों की गाड़ियों का प्रतिनिधित्व इस स्टेशन को करना है,
उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस स्टेशन के चारों प्लेटफॉर्म को मीटर गेज के प्लेटफॉर्म में तब्दील किया जा रहा है इन द सेंस कि दो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तब्दील हैं, फंक्शनल हैं। एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, उसमें ट्रैक डालना बाकी है। तीन प्लेटफॉर्म तो डेडिकेटली रूप से बड़ी लाइन के हो गए हैं महू में, और जो चौथा प्लेटफॉर्म था जिसके बीच में मीटर गेज इन लोगों के आड़े आ रही थी, वो मीटर गेज भी अब चली गई है। तो अब यहाँ के चारों प्लेटफॉर्म पूरी रूप से बड़ी लाइन के हो गए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये कवरेज पसंद आई होगी।